नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्र। आने वाले दिनों में भारतीय क्रिकेट टीम को आयरलैंड का दौरा करना है, इसीलिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आयरलैंड दौरे के लिए टीम कैसी होगी, कौन कौन होगा, कप्तान कौन होगा, इन सभी बातों से पर्दा उठा दिया। सीधे शब्दों में कहें तो बीसीसीआई ने टीम इंडिया का ऐलान कर दिया। टीम में पहली बार राहुल त्रिपाठी को जगह मिली। राहुल ने हाल ही में आईपीएल के 15वें सीजन में शानदार बल्लेबाजी की थी, जिसका इनाम उन्हें टीम इंडिया की जर्सी के रूप में अब मिल गया। टीम इंडिया को आयरलैंड दौरे पर दो मैचों की टी20 सीरीज खेलनी। बीसीसीआई ने इस दौरे के लिए हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया। राहुल त्रिपाठी पहली बार टीम में चुने जाने से बेहद खुश हैं। उन्होंने इसे सपने के सच होने जैसा करार दिया। 31 वर्षीय राहुल त्रिपाठी आईपीएल के इतिहास में अनकैप्ड खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज हैं। उन्होंने अभी तक कुल 1798 रन बनाए। टीम इंडिया की टी20 टीम में शामिल होने के बाद राहुल ने एक इंटरव्यू में बात करते हुए कहा, मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है, ये सपना सच होने जैसा है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। मुझे खुशी है कि चयनकर्ताओं ने मुझ पर विश्वास जताया, मुझे मेरी मेहनत का फल मिला। मुझे यदि खेलने का मौका मिला तो मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आपको बताते हैं कि टीम में और कौन कौन है। इस टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या है, जो फिलहाल अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ चल रही सीरीज का हिस्सा है। इस टीम का उपकप्तान भुवनेश्वर कुमार को बनाया गया है। अफ्रीका की मेजबानी करने वाली टीम का हिस्सा रहे ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़, वेंकटेश अय्यर, दीपक हुड्डा, विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक, दिग्गज स्पिनर युजवेंद्र चहल और अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, हर्षल पटेल, आवेश खान, नए नवेले अर्शदीप सिंह और उमरान मलिक इस टीम का भी हिस्सा है। इस टीम में राहुल त्रिपाठी को पहली बार मौका मिला, तो वही इस टीम में संजू सैमसन की वापसी हुई। चोट से उबरे स्काई यानी सूर्य कुमार यादव को भी इस टीम में जगह मिली। फिलहाल कैसी लगी आपको आयरलैंड दौरे के लिए भारत की ये टीम, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि इस टीम में और किस किस प्लेयर को मौका दिया जाना चाहिए था और किसे हटाना चाहिए था।